मुजफ्फरनगर जनपद के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर उस समय चीख पुकार मच गई जब दिल्ली की ओर से तेज गति से आ रही एक कार सड़क किनारे खड़े एक डीसीएम ट्रक में जा टकराई। इस हादसे में कार सवार तीन लोगों में से दो की मौत हो गई जबकि डीसीएम में सवार दोनों लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। हादसे में घायल और मृत लोगों को आनन फानन में हाईवे एम्बुलेंस द्वारा जिला चिकित्सालय लाया गया जहां डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को मेरठ के लिए रेफर कर दिया। वहीं एक युवती सहित चारों मृत लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर, जो अभी सड़क हादसा हुआ उसमें क्या मामला था, कितने लोगों की मौत? गुप्ता रिसॉर्ट और ये बहलना कट है, इसके बीच में एक मेटाडोर डीसीएम मेटाडोर रोक के अपना टायर चेक कर रहा था। पीछे से तेज़ गति से एक बरना गाड़ी आई जिसने अपना नियंत्रण खो के उसमें टक्कर हो गई, जिसमें दो लोगों को जिला चिकित्सालय व तीन लोगों को बेगरजपुर मेडिकल कॉलेज में घायल अवस्था में भर्ती कराया गया। जो दो मेडिकल जो जिला अस्पताल दो लोग गए हैं उनकी मृत्यु की पुष्टि हो गई है, प्लस अभी अभी पता चला है कि दो लोग और जो बेगराजपुर गए थे वो भी एक्सपायर हो गए हैं, एक घायल अवस्था में बेगराजपुर में भर्ती है। मुझे सिर्फ पुलिस की सूचना आई थी, मंसूरपुर पुलिस की, कि आप जल्दी से बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज आओ। मैंने वहाँ जाके देखा तो एक लेडीज है एक लड़का है जो मृत पाए गए। पुलिस बता रही थी शायद वेलना चौक के आसपास एक्सीडेंट हुआ है। दरअसल मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मेरठ रोड स्थित वेहलना कटका का है जहां शुक्रवार की देर रात दिल्ली से अपनी बहन को वापस लेकर लौट रहे दानिश की कार सड़क किनारे खड़े डीसीएम ट्रक में पीछे से जा टकराई। कार के टकराते ही पूरे हाईवे पर चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली और सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। हाईवे एम्बुलेंस को सूचना कर घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुँचाया। घटना है जी, गाड़ी लाके सर्विस रोड पर खड़ी करी है और ये लोग पीछे से गाड़ी लेकर हैं, साइड से रगड़ती हुई है, दोनों बच्चे मार दिए, शायद ये ड्रिंक में है या एक इनके साथ लड़की है, कौन है उससे क्या संबंध है मालूम। गाड़ी इनकी भी खत्म हो गई है और हमारे दोनों बच्चे मार दिए इन लोगों। कार सवार मृतक रूबी दिल्ली रहकर आईएएस की तैयारी कर रही थी और आज भाई के साथ दिल्ली से अपने घर रुड़की जा रही थी। गंभीर रूप से घायल शारिक नाम के शख्स को उपचार के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया है। दैनिक खबर के लिए मुजफ्फरनगर से अक्षय ठाकुर की रिपोर्ट।